हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर। हरियाणा प्रदेश में मौसम के करवट बदलते ही लोगों ने अपने आप को इसके साथ ढालना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी इतनी ठंड नहीं महसूस की जा रही, लेकिन फिर भी लोगों ने इससे बचने के उपाय ढूंढने शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा प्रदेश के अनेकों हिस्सों में आई हल्की बूंदाबांदी से मौसम में एकदम बदलाव आ गया है। अब कुछ दिनों से वातावरण में धुआं छाया हुआ है, जो कि आंखों के लिए काफी नुकसानदायक है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये धुआं जो किसान धान की फसल निकालने के बाद पराली में आग लगाते हैं, उसी आग का धुआं, धुंध व डस्ट तीनों से मिलकर ये स्मोग बना है, जो वातावरण को दूषित कर रहा है। राहत की बात ये है कि इस स्मोग का फसलों को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अस्थमा मरीजों के लिए ये काफी घातक साबित हो सकता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग प्रमुख डॉक्टर राज सिंह का कहना है कि इस धुएं से बचने के लिए आंखों पर चश्मा लगाना चाहिए। आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा। व उसके बाद हरियाणा के कुछ हिस्सों में बादल के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। जहाँ तक आने वाले सप्ताह की बात है, मौसम जो है परिवर्तनशील रहने की संभावना है। अगले 2 दिन जो है मौसम आमतौर पर खुश रहेगा और उसके बाद थोड़े से हल्के बादल कई इलाकों में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो NWD बना हुआ है वो पाकिस्तान और उसके ऊपर अफगानिस्तान की तरफ है। वो थोड़ा हमारा लग तो ऐसा रहा है कि शायद वो ऊपर जम्मू कश्मीर और ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा उसका असर हो सकता है कि हल्के बादल कुछ एरिए में आ सकते हैं और बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी कहीं कुछ एरिए में कर सकते हैं। धुंध और डस्ट और जो ये धुआं है, जब तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो स्मोग इसको हम बोलते हैं, और इसमें जो है आँखों में और जलन होता है और अस्थमेटिक जो जिसको प्रॉब्लम होती है उस लगे के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। और ये जो है आप देख रहे होंगे कि हमारे जो पराली वाला खेत है जहाँ धान की है, कुछ लोग उसको जला रहे हैं और हमारे नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं उसमें मिट्टी जो पड़ रही है, तो मॉइस्चर थोड़ा हैवी होने की वजह से तो ये जो है ऊपर नहीं जा पाते और ये ऊपर बीच में ही लटके रहते हैं। और ये दोनों तीनों मिक्स होके जो धुंध है, धूल कंकर है और ये स्मोक जिसको हम धुआं बोलते हैं, ये तीनों मिलके वो बना रहे हैं। ये रहेगा जारी जब तक एरिए में हल्की बूंदाबांदी ना हो जाए। हिसार से हलचल टीवी के लिए रमेश जाखड़ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर।